Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you all a new topic, that is value education. But first of all, I have to discuss the definitions, characteristics and types of values. Okay, so let's start. Values. अगर हम मूल्यों को परिभाषित करना चाहें तो हम शुरुआत करेंगे कि द जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीत्शे फर्स्ट यूज द वर्ड वैल्यूज इन 1880, यानी कि बहुत पुराना ये शब्द है. इसका नामकरण बहुत पहले से हमको मिलता है और इनका जिक्र किया जाता है जर्मन फिलोसोफर का, जो ये वैल्यूज इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया. अब कुछ इसकी डेफिनेशन देखें इसको समझने के लिए. तो अकॉर्डिंग टू क्लक हन 1951 में डिफाइन करते हैं, ए वैल्यू इज ए कंसेप्शन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट distinctive of an individual or characteristic of a group of the desirable which influence the selection from available modes, means and ends of action. मतलब मूल्य है क्या? एक conception है, एक संप्रत्यय है, अव्यक्त हो सकता है, अव्यक्त नहीं भी हो सकता है, लेकिन विशिष्ट होगा individual का और group, characteristic of a group किसी समूह की विशेषता है. ऑफ द डिजायरेबल मतलब वो जो हम करना चाहते हैं, जो वांछनीय है, जो करना चाहिए. विच इन्फ्लुएंस और ये मूल्य हमें कैसे प्रभावित करते हैं? द सेलेक्शन मतलब हम क्या चुनेंगे, हमारा मोड्स मीन्स और एंड्स ऑफ एक्शन में हम क्या चुनेंगे, हमारा चुनना मतलब हमारा सिलेक्शन जो है वो वैल्यू डिफाइन करती है. यानी कि ये कंसेप्शन है, ये अव्यक्त है, ये एक्सप्लिसिट है, ये इम्प्लिसिट है ना, इस तरह से है. फिर इन लोग डिफाइन करते हैं, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन देते हैं वैल्यू के. वो कहते हैं वैल्यूज सिंपली स्टेटेड आर द डिटरमाइनर्स इन मैन दैट इन्फ्लुएंसेस हिज चॉइसेस इन लाइफ एंड टू डिसाइड हिज बिहेवियर. यानी कि मूल्य क्या है एक व्यक्ति के लिए? डिटरमाइनर्स है मतलब वो सुनिश्चित करते हैं, वो निर्धारक तत्व बन जाते हैं कि हम क्या चुनेंगे अपनी जिंदगी में. हमारे चुनाव को प्रभावित करते हैं और डिसाइड हिज बिहेवियर, और हमारा व्यवहार जो है वो भी हमारे मूल्यों से गवर्न होता है. Brightman कहते हैं, in the most elementary sense, value means whatever is actually liked, prized, esteemed, desired, approved or enjoyed by anyone at a time. मतलब मूल्य क्या है? Actually वो है जिसको हम पसंद करते हैं, जिसका हमको हम हमारे लिए वो मूल्यवान है, हमारे लिए उसकी कीमत है, उसका उसकी प्रतिष्ठा है, वो desired है, वो वांछनीय है, वो approved है, उसको सबकी सहमति प्राप्त है और उसको हम किसी भी समय खुशी उससे हमको मिलती है. The International Encyclopedia of the Social Sciences defines value as a set of principles whereby conduct is directed and regulated as a guide for individuals and a social group. मतलब value क्या है? A set of principles मतलब सिद्धांतों का एक समुच्चय है जहाँ पे जो हमारा व्यवहार है वो डायरेक्ट होता है, उसको नियंत्रित किया जाता है इंडिविजुअल्स के लिए और सोशल ग्रुप के लिए. मतलब वैल्यूज क्या है इतने से क्या समझ में आया? वैसे और डेफिनेशन है शायद तब बात करते हैं. दत्त कहते हैं कि वैल्यू इज एन एंडेवर एक प्रयास है विच सेटिस्फाइज नीड सिस्टम साइकोलॉजिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल नीड्स. यानी कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनको हमारे मूल्य सेटिस्फाई करते हैं. वो हमारी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हो सकती हैं, हमारी शारीरिक आवश्यकताएं हो सकती हैं. ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव द सेम फिजियोलॉजिकल नीड्स बट डिफर इन देयर साइकोलॉजिकल नीड्स. लगभग सभी मनुष्यों की फिजियोलॉजिकल नीड तो वही है, सबको प्यास लगनी है, भूख लगनी है ना. लेकिन जो हमारी साइकोलॉजिकल नीड है, सॉरी, जो हमारी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं वो अलग है. मतलब किसी को किसका किस में इंटरेस्ट है, किसका किस में प्राइड है, किसके लिए क्या जरूरी है, क्या गोल है, ये सब सबके लिए अलग है. हेंस डिफर इन देयर वैल्यूज एंड स्टाइल्स ऑफ लाइफ. इसीलिए हम अपने मूल्यों में अलग होते हैं और जीवन स्टाइल या जीवन शैली में भी अलग होते हैं. एच एम जॉनसन कहते हैं कि वैल्यूज आर जनरल स्टैंडर्ड्स एंड मे बी रिगार्डेड एज हायर ऑर्डर नॉर्म्स. वैल्यूज जीने के तरीके हैं, जनरल स्टैंडर्ड्स हैं और आप इनको कह सकते हैं कि उच्च स्तरीय मानक हैं. माइकल हेरालम्बस कहते हैं कि ए वैल्यू इज अ बिलीफ दैट समथिंग इज गुड एंड वर्थवाइल. मतलब मूल्य वो विश्वास है जो हमको ये कहता है कि ये अच्छा है, इसका इसकी कीमत है. इट डिफाइंस दैट व्हाट इज वर्थ हैविंग एंड वर्थ स्ट्राइविंग फॉर. मतलब ये परिभाषित करता है कि उसको लेने के लिए, उसको पाने के लिए हम कीमत चुकाएं, ऐसा मूल्य है. पीटर वर्सले कहते हैं कि वैल्यूज आर जनरल कंसेप्शंस ऑफ द गुड आइडियाज अबाउट द काइंड ऑफ एंड्स दैट पीपल शुड परस्यू थ्रू आउट देयर लाइव्स एंड थ्रू आउट द मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज इन विच दे एंगेज. यानी कि गुड आइडियाज मतलब कुछ अच्छा है वो मूल्य है, हम कुछ अच्छा संप्रत्यय हमारे मन में है और उसके लिए हम जीवन पर्यंत उसमें एंगेज रहते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज में. थ्रू आउट देयर लाइव्स हम उसको परस्यू करते हैं. मतलब ऐसा नहीं कि आज हमारे लिए मूल्य है कल नहीं, मूल्य है तो वो लगभग सतत होता है. तो
तो इससे क्या निकल के आया कि भैया वैल्यूज क्या हो सकती हैं, दे आर रिलेटिवली परमानेंट। अभी ये बात हो रही थी कि सतत होगा, है ना, ऐसा नहीं होगा, क्षणिक मूल्य नहीं होते। मूल्यों की ये विशेषता है कि वो परमानेंट होने चाहिए, वो सतत होने चाहिए, वो जीवन भर हमारे साथ रहते हैं। दीज आर मोर सेंट्रल टू द कोर ऑफ ए पर्सन, वो एकदम हमारे कोर, एकदम हमारे अंतः स्थल में बसे होते हैं। मोस्ट ऑफ अवर कोर वैल्यूज आर लर्न अर्ली इन लाइफ, बहुत सारे मूल्य हम अपने जीवन में पहले ही सीख लेते हैं, जैसे अपने परिवार से, दोस्तों से, पड़ोस से, विद्यालय से, मास और विजुअल मीडिया से और अदर सोर्सेज से, सोसाइटी में। मतलब बहुत जीवन के प्रारंभिक वर्षों में हमारे मूल्य बन जाते हैं कि हम यू कैन से डिसिप्लिन्ड होंगे, पंक्चुअल होंगे, या हम लेट लतीफ होंगे, या हम कामचोर होंगे। ये सब जो मूल्य हैं एक तरीके से जीवन के, और वो बहुत पहले जीवन में बन जाते हैं। वैल्यूज आर लोडेड विद इफेक्टिव थॉट्स अबाउट आइडियाज, ऑब्जेक्ट्स, बिहेवियर एक्सेट्रा। यानी कि विचारों के लिए, वस्तुओं के लिए, व्यवहारों के लिए वैल्यूज जो होते हैं इफेक्टिव थॉट से लोडेड होते हैं। मतलब हमको पता होता है कि किसको कितना मूल्य हमें देना है। दे कंटेन अ जजमेंटल एलिमेंट इन दैट दे कैरी एन इंडिविजुअल्स आइडियाज एज टू व्हाट इज राइट, गुड और डिजायरेबल। दीज कैन प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉम्पिटेंस एंड मोरालिटी। दीज कैन गो बियॉन्ड स्पेसिफिक सिचुएशंस और पर्पस, मतलब पर्संस, मतलब कि सिचुएशन, स्पेसिफिक सिचुएशन के बियॉन्ड भी जा सकते हैं। कह रहे हैं ना कि हमेशा आप उसको फॉलो करते हैं। लोग अपने मूल्यों के लिए मर जाते थे, शहीद हो जाते थे कि हमारा मूल्य है, हमें अपनी बात से नहीं हटना है, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये भी तो मूल्य है। मूल्य है कि हमको वफादारी रखनी है, धोखेबाज नहीं बनना है, तो ये सारे मूल्य है, उसके लिए जीवन भी बलिदान कर दिया जाता है। पर्सनल वैल्यूज कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाई कल्चर, ट्रेडिशन एंड ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। जो हमारे व्यक्तिगत मूल्य होते हैं वो हमारे संस्कृति से, हमारी परंपराओं से, हमारे बाह्य और आंतरिक कारकों के सम्मिश्रण से प्रभावित होते हैं। और मोस्ट ऑफ अवर, ये तो हो गया, वैल्यूज आर लोडेड, ये भी हो गया, सॉरी हाँ थोड़ा सा ये रिपीटेटिव है। वैल्यूज कैन डिफर फ्रॉम कल्चर टू कल्चर एंड इवन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। वैल्यूज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इंटीग्रेशन एंड फुलफिलमेंट ऑफ मैन्स बेसिक इंपल्सेस। दे आर जेनरिक एक्सपीरियंसेस, दे बिल्ड अप सोसाइटीज, इंटीग्रेट सोशल रिलेशंस। यानी कि समाजों का निर्माण करते हैं मूल्य, और सामाजिक संबंधों को जोड़कर भी रखते हैं। अब आते हैं टाइप्स पे, ये वैल्यूज कितने टाइप्स की होती है। तो बहुत तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन जो है, बेसिस जो है क्लासिफिकेशन का, वो कई तरीके का है, मतलब वर्गीकरण का आधार अलग अलग है। ऑल वैल्यूज आर क्लोजली इंटरलिंक्ड, सभी मूल्य जो है वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और आप उनको डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में बांटना एक तरीके से मुश्किल काम है। फिर भी वैल्यूज हैव बीन क्लासिफाइड डिफरेंटली इन डिफरेंट डिसिप्लिन, विभिन्न अनुशासनों में, विभिन्न विषयों में वैल्यूज को डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई किया गया है। जैसे इंडियन फिलोसोफर्स हैव क्लासिफाइड वैल्यू इनटू क्लासेस, स्पिरिचुअल वैल्यूज एंड मटेरियलिस्टिक वैल्यूज। जो भारतीय दार्शनिक हैं उन्होंने मूल्यों को दो भागों में बांटा है, या तो आपके जो आध्यात्मिक मूल्य या भौतिक मूल्य। तो आध्यात्मिक मूल्य में क्या आएगा, दीज आर values that direct about spiritual thought and behavior, यानी कि वो मूल्य जो हमारे आध्यात्मिक विचारों व्यवहार को नियंत्रित या निर्देशित करते हैं, जैसे कि अर्थ, कर्म, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, है ना। और materialistic values, these are related to our worldly life, मतलब भौतिक चीजों से जुड़े हैं ना, सांसारिक चीजों से जुड़े हुए हैं ये, और ये हमारे सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, जैसे लव, सिंपथी, कोऑपरेशन, यानी कि प्यार, सहानुभूति, सहयोग, ये सब। फिर जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने वैल्यूज को बांटा है इंट्रिंसिक वैल्यूज एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यूज। अब इंट्रिंसिक वैल्यूज क्या है, दीज आर वैल्यूज दैट एन इंडिविजुअल रिसीव्स बट आर नॉट इम्पोज्ड बाय हिज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी कि बाहरी वातावरण से जो वैल्यूज इम्पोज नहीं होंगी वो इंट्रिंसिक हो जाएंगी। दे फाइंड ए प्लेस इन हिज इनर सेल्फ नेचुरली, मतलब हमको किसी ने कहा नहीं, हम अंदर से ऐसा फील करते हैं। ही इंटरनलाइजेस देम एंड हिज एक्शंस आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय देम। यानी कि मनुष्य के अंतर्गत वो आंतरिक रूप से उसकी अनुभूति होती है। ये हमारे चरित्र निर्माण का हिस्सा होते हैं, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हिस्सा होते हैं। जैसे लव, कंपैशन, सिंपथी, कोई किसी को सिंपथाइज बनाता नहीं है, लोगों में इनबिल्ड होती है कि हम किसी का भी दुख दर्द देके हम खुद भी दुखी हो जाते हैं, ये सिंपथी है। एक्सट्रिंसिक वैल्यूज यानी कि ये हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमको मिलता है, एंड दो ही मे नॉट इंटरनलाइज देम हिज एक्सटर्नल बिहेवियर्स इन्फ्लुएंस्ड बाय देम। हम इसको आंतरिक रूप से उतनी मतलब शिद्दत से अनुभूत नहीं करते हैं, हमको बाहरी वातावरण हमको ये इम्पोज करता है हमारे पर, लेकिन हमारा व्यवहार इनसे भी गवर्न होता है। जैसे ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, लॉयल्टी। जैसे पंक्चुअलिटी, मतलब आपके अंदर पंक्चुअलिटी का हो सकता है उतना विशेष मतलब अनुभूति ना हो, लेकिन बार बार आप स्कूल में लेट हो रहे हैं, तो आपको पनिशमेंट मिल रही है, तो आप एक्सटर्नल फैक्टर ने इम्पोज कर दिया कि नहीं भैया टाइम से ही जाना है, नहीं तो डांट पड़ती है, सजा मिलती है, है ना। फिर अनदर क्लासिफिकेशन वैल्यूज का हो सकता है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज एंड टर्मिनल वैल्यूज। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज क्या है, कि दोज विच वी यूज और फॉलो इन अवर बिहेवियर और जजमेंट।
हम अपने व्यवहार में इसको फॉलो तो करते हैं, बट दिस बाय दिस वी अचीव अवर एंड गोल्स, बट इन्हीं के सहारे से हम अपने आखिरी मतलब अंतिम उद्देश्यों को, बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मतलब जो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज हैं उनसे टर्मिनल वैल्यूज पाई जा सकती है। तो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज कौन सी होगी, जैसे बीइंग पोलाइट, हम विनम्र रहे, हम आज्ञाकारी हैं, हम जिम्मेदार हैं, ये सारी। लेकिन टर्मिनल वैल्यूज क्या है, आर डिफाइंड एज अवर एंड गोल्स, मतलब हम इन्हीं के लिए जीते हैं कि हमको अनंतिम रूप से उन मूल्यों को प्राप्त करना है। दीज आर दोज विच वी स्ट्राइव टूवर्ड्स अवर और सी, जिनको हम पाना चाहते हैं। दीज आर अल्टीमेट, अंतिम रूप से हम इन्हीं को पाना चाहते हैं और इन्हीं के लिए हम जीते हैं। जैसे वर्ल्ड एट पीस, जैसे समाज में शांति हो, जैसे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम, मतलब बस किसी भी कीमत पे फ्रीडम चाहिए। हैप्पीनेस, इक्वालिटी, सबको समानता हो, सब खुश हो, सेल्फ रेस्पेक्ट, फैमिली की सिक्योरिटी हो, नेशनल सिक्योरिटी, जो आपके देश पे सेना के जवान काम कर रहे हैं उनके लिए टर्मिनल वैल्यूज क्या है कि किसी भी कीमत पर देश को बचाना है, एंड सेल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति, इस तरीके के जो अंतिम मूल्य हैं, मतलब जो 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 बड़े बड़े गोल हैं उनको पाने के लिए इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज के ही सहारे आप टर्मिनल वैल्यूज तक जा सकते हैं। और इसी तरह से अल्पर्ट एंड वर्नर ने भी डिफाइन किया है मूल्यों को, उन्होंने 5-6 कैटेगरीज में बांटा है, थ्योरेटिकल वैल्यूज, इकोनॉमिक वैल्यूज, एस्थेटिक वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, पॉलिटिकल वैल्यूज, रिलीजियस वैल्यूज, मतलब ये बहुत तरीके की क्लासिफिकेशन हो सकते हैं ना। आर्थिक मूल्य क्या है, हमारे सौंदर्यात्मक मूल्य क्या है, सामाजिक मूल्य क्या है, सैद्धांतिक मूल्य क्या है, राजनीतिक मूल्य क्या है, धार्मिक मूल्य क्या है, बहुत सारे तरह से हो सकते हैं। फिर प्लेटो ने भी क्लासिफाई किया है वैल्यूज को कैसे, ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी। जब हम फिलोसफी पढ़ते हैं तो हम लोग ट्रुथ, ब्यूटी और गुडनेस पढ़ते हैं, मतलब एपिस्टेमोलॉजी हो गया आपका, एस्थेटिक्स हो गया आपका, और एक्सियोलॉजी हो गया, वही चीज है। ए कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज बाई द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लिस्टेड 50 वैल्यूज। एक CBSE ने कॉन्फ्रेंस कराई, उसने 50 वैल्यूज बताए। एक NCERT ने पब्लिकेशन दिया डॉक्यूमेंट्स ऑन सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, उसमें उन्होंने 84 वैल्यूज को लिस्ट आउट किया है। उसी तरह से दी SV छवन कमेटी रिपोर्ट सबमिटेड टू द इंडियन पार्लियामेंट इन फरवरी 1999 कंसिडर्ड ट्रुथ, गुड कंडक्ट, पीस, लव एंड नॉन वायलेंस एज यूनिवर्सल वैल्यूज। उन्होंने कहा कि ये वैल्यूज यूनिवर्सल है, मतलब पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरे सार्वत्रिक हैं। सत्य, अच्छा व्यवहार, शांति, प्रेम और अहिंसा, दो वैल्यूज हैव बीन क्लासिफाइड इन वेरियस वेज, दे आर रिलेटेड टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एज ए होल। मतलब कि आप वैल्यूज को कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, पर वो मनुष्य को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं, वो ओवरलैपिंग हो सकते हैं, उनकी टर्मिनोलॉजी ओवरलैपिंग हो सकती है। और मुझे लगा कि एक स्लाइड और है। तो ये हुआ वैल्यूज की, मतलब वैल्यू, चूंकि पढ़ना आपको वैल्यू एजुकेशन, आपके कोर्स में वैल्यू एजुकेशन है, पर वैल्यू एजुकेशन में वैल्यू तो पहले जाने ना कि किसकी आपको शिक्षा देनी, तो मूल्यों की शिक्षा, मूल्य परक शिक्षा। फिर आप बात करेंगे मूल्य परक शिक्षा जरूरी क्यों है, क्योंकि आज के समाज में मूल्यों का हनन हो गया है, ह्रास हो गया है, क्षय हो गया है मूल्यों का। तो मूल्य, उनकी कुछ डेफिनेशंस, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कि वो परमानेंट हैं, वो हमारे कोर वैल्यू में हैं, वो हमारे कैरेक्टर फॉर्मेशन को मदद करते हैं। फिर उनके टाइप्स, चाहे आप उनको कहिए मेटीरियलिस्टिक स्पिरिचुअल, आप उनको कहिए इंस्ट्रूमेंटल टर्मिनल, आप उनको कहिए कि एक्सट्रिंसिक एंट्रिंसिक, या कोई सा भी क्लास, ट्रुथ, ब्यूटी, गुडनेस, तो बहुत तरीके की क्लासिफिकेशन है। आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट्स में कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन टाइप्स ऑफ वैल्यूज, तो एक लाइन में वैल्यू को डिफाइन करते हुए आप उनके प्रकार बता सकते हैं। ठीक है, सो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड द बेसिक फंडामेंटल कंसेप्चुअल बैकग्राउंड ऑफ वैल्यू, एंड आफ्टर दैट आई विल डिस्कस वैल्यू एजुकेशन इट्स मीनिंग एंड नीड। ओके, सो थैंक यू ऑल।